हे गाइस, गुड इवनिंग। आज है जन्माष्टमी और हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। लोग कहते हैं कि वहाँ बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाई जाती है, हमने सोचा कि हम भी जाके देखें। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं कैसे मनाई जाती है वहाँ पे जन्माष्टमी। अगर आप दिल्ली NCR से जाते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता यमुना एक्सप्रेसवे होगा, और डिस्टेंस की बात करें तो ग्रेटर नोएडा के परीचौक से 125 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें आपको मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे। चलिए मथुरा जाकर देखते हैं कैसी सजी है मथुरा नगरी। तो गाइज, अभी बजे हैं 9 और हमने मथुरा नगरी में एंट्री कर ली है, और यहाँ से आपको दृश्य दिखाते हैं कितना अच्छा सजा हुआ है यहाँ पे सब कुछ। यहाँ से श्री कृष्ण जन्मभूमि की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर बाकी है, जो कि हमें पैदल चलकर कवर करनी है, क्योंकि यहाँ से आगे कार की एंट्री नहीं है। तो चलिए कार को पार करके चलते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर और लेते हैं रास्ते के नज़ारों का आनंद। आप देख सकते हैं मंदिर कितना भव्य सजा हुआ है, बहुत ही अच्छे से लाइटिंग की हुई है। जैसा हमने सोचा भी नहीं था, ये उससे भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। फाइनली गाइज, हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाहर पहुंच चुके हैं। ये है गेट नंबर 1, जनरली यहाँ से एंट्री होती है। आज भीड़ को देखते हुए गेट नंबर 3 को एंट्री गेट बनाया गया है। एग्जिट गेट नंबर 1 से होगा। ये है पोतरा कुंड। इसकी मान्यता है कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनके कपड़े पहली बार यहीं पर धोए गए थे, और मान्यता यह भी है कि इसी के पास एक कोठरी है जिसमें कंस ने श्री कृष्ण के माता पिता श्री वासुदेव और देवकी जी को बंदी बनाकर रखा था। और अब इसके आगे आपको सीधे मंदिर के दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने श्रद्धालु आए हुए हैं।
तो आपने श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर लिए हैं, तो अब देखते हैं कोई होटल रुकने के लिए, फिर कल चलते हैं वृंदावन की ओर। नेक्स्ट व्लॉग वृंदावन का आएगा, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।